नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा, वॉइस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। एनजीटी के कमिश्नर ने किया गिरिराज तलहाटी का अवलोकन, देखेंगे रिपोर्ट। एनजीटी से नियुक्त कमिश्नर आनंदवर्धन शुक्ला अपने सरकारी काफिले में सातकाना की नगरी मथुरा के गोवर्धन पहुंचे और जहां आनंदवर्धन शुक्ला ने मुकुट मुखविंद मंदिर पर गिरिराज पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के उपरांत गिरिराज परिक्रमा मार्ग से प्रमुख स्थलों पर अवलोकन किया। कान्हा की लीलाओं की साक्षी गिरिराज तलहाटी से भरा भरा और सौंदर्य प्रदान करने के लिए एनजीटी ने मथुरा जिला प्रशासन को आदेश दिया है। वहीं एनजीटी के आदेशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा गिरिराज परिक्रमा मार्ग पे किए गए कार्यों का अवलोकन करने के लिए एनजीटी द्वारा नियुक्त कमिश्नर आनंदवर्धन शुक्ला आज सरकारी काफिले के साथ गोवर्धन पहुंचे, जहां आनंदवर्धन शुक्ला ने मानसी गंगा स्थित मुकुट मुखार विंद मंदिर पर गिरिराज पूजा अर्चना के उपरांत सप्त कोसिया परिक्रमा मार्ग का अवलोकन किया। इस दौरान आनंदवर्धन शुक्ला पौराणिक कुंड राधा कुंड और श्याम कुंड का अवलोकन करने व कस्बा राधा कुंड पहुंचे, जहां कुंड पर स्थित मंदिर सेवैतों ने कमिश्नर आनंदवर्धन शुक्ला को श्याम कुंड में हो रही गंदगी से अवगत करवाया। सर, एनजीटी की तरफ से आप कमिश्नर की हैसियत से यहाँ गिरिराज परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण करने आए, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आप यहाँ से संदेश लेकर के जा रहे हैं? देखिए, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो मैं प्रिलिमिनरी ये देख रहा हूँ कि जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनकी पालना किस रूप में हो रही है। एनजीटी का प्रयास है कि इसकी जो मौलिक स्थिति है उसको सुरक्षित रखा जाए, उसमें कोई एनक्रोचमेंट न हो, कोई ये नहीं हो, और जो तीर्थयात्री आते हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, इसी प्रयास का जो हम विस्तार कर रहे हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना बाकी है, और उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने जो पालना रिपोर्ट दी है उसकी क्या भरपाई हो चुकी है कि नहीं हुई है, क्या क्या काम करना बाकी है, ये देख करके हम जो भी स्थिति होगी रिपोर्ट का। प्रारंभिक तौर पर कोई ऐसी खामी प्रारंभिक दृष्टि आपको नज़र में आई हो या कोई ऐसी खूबी? बहुत सी बातें हैं, पैरेलल रोड बननी बाकी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन होना बाकी है, पार्किंग की बाकी है, अभी मुंडिया पूर्णिमा आ रही है उस समय कितना रश रहता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं यात्रियों को, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इंक्रोचमेंट कितने हैं, कितने हट गए, कितने हटने बाकी हैं, सारे बिंदु हैं, बहुत सारे 20-22 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, जो गिरिराजी साइड में अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, उस पर क्या कर रहे हैं? कार्रवाई तो करने वालों को करनी, हम तो सजेशन कर देंगे कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, अतिक्रमण हटने चाहिए और कम से कम गोवर्धन पर्वत की तरफ कोई भी किसी तरह का निर्माण नहीं हो। उज्जैन ब्रज वालों की तरफ से राधा कुंड वाली परिक्रमा में अवैध, जैसे गिरिराजी साइड में वो बने हुए हैं तुम्हारे सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह, देखेंगे हम, देख करके रिपोर्ट कर देंगे जो स्थिति, अगर कोई ऐसा होगा कि जिसको हटाना है हम तो संस्तुति करेंगे अपनी, जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो बतानी। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजी डोगरा के साथ, देख रहे वॉइस फाउंडेशन, सब्सक्राइब करें।